हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों को वेलकम बैक टू माय चैनल गेमर जीनी। सो गाइज आप लोग देख सकते हो गाइज अपकमिंग अपडेट का जो एडवांस सर्वर होता है वो अभी खुल चुका है। गाइज आज ही आया एडवांस सर्वर, मैंने डाउनलोड भी कर लिया है। सो गाइज मैं आप लोगों को जल्दी से जो भी न्यू चेंजेस आए हैं गेम में जो अभी सामने से दिख रहे हैं मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाकी मोड्स कैरेक्टर्स का तो अलग से वीडियो आ ही जाएगा। तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ आप लोग अगर गेम में नोटिस करोगे, हमारे गेम में भी ये न्यूज़ वाले सेक्शन में आया है। गाइस गेम का लोगो चेंज हो चुका है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। गाइस आप लोग बताना आप लोग कितने साल से खेल रहे हो, आप लोगों को पता है कि ये लोगो कितने सालों से चल रहा है और अब जाके 3-4 साल बाद इन लोगों ने लोगो ही चेंज कर दिया गेम का। तो गाइस मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, आप लोग बताना कमेंट करके। और साथ ही गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेम में जो भी लिखा हुआ आता है उसका फॉन्ट भी चेंज हो चुका है, अगर आप लोग गौर से नोटिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो गाइस चलो सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया गया है और बेसिक में तो कुछ नहीं है, सेंसिटिविटी में भी कुछ नहीं है। तो गाइस जब हम लोग कंट्रोल में आ रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रेनेड स्लॉट के नीचे एक नया चीज़ आया है स्मार्ट थ्रो। तो गाइस इसको ऑफ करने से ना ग्रेनेड स्लॉट भी सिंगल स्लॉट हो रहा है और इसको ऑन करने से अपने आप ये डबल स्लॉट हो रहा है। तो गाइस अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है स्मार्ट थ्रो में, ज़रा मैं एक बार कस्टम एचयूडी में देख लेती हूँ। यहाँ भी कुछ खास लिखा नहीं है गाइस, तो ये गेम खेलने से ही पता चलेगा ये स्मार्ट थ्रो क्या है। और बाकी सब तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एलिमिनेशन नोटिफिकेशन शायद नया लग रहा है, ये देखना पड़ेगा हमारे अभी चल रहे गेम के साथ कंपेयर करके। और बाकी ऑटो पिकअप भी वैसे का वैसा ही है। और अभी हम लोग देख लेते हैं डिस्प्ले में तो कुछ खास चेंज नहीं है। गन शॉट्स अलर्ट याद नहीं आ रहा है गाइस, आप लोग बताना गन शॉट्स अलर्ट वाला ऑप्शन था या नहीं। तो गाइस यहाँ पे साउंड में एक नया ऑप्शन आया है कैरेक्टर वॉइसेस। तो गाइस ये शायद जो भी कैरेक्टर्स नए आ रहे हैं उनमें आप लोगों को पता होगा कुछ वॉइस डाला जा रहा है, जैसे कि अगर पुराने कैरेक्टर्स जिनमें एलाइट वर्जन आया है उनमें भी उनका अपना वॉइस और कुछ डायलॉग्स आता है, तो शायद इसको ऑफ करने से उनका वॉइस भी बंद हो जाएगा, इसी के लिए नया साउंड का ऑप्शन दिया गया है। और नोटिफिकेशन में तो ये सब पहले भी था, इसमें कोई न्यू चेंज नहीं आया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मोड्स में देख लेते हैं क्या कुछ नया मोड आया है। तो गाइज यहाँ पे एक फ्री फॉर ऑल बोल के आया है एल पेस्टिलो में। गाइज ये तो बॉम्ब स्क्वाड वाला मैप था, तो शायद कुछ नया है इसमें, तो ये मोड हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे और दो मोड्स आए हैं ड्रॉइड एपोकैलिप्स, पता नहीं गाइज ये क्या है। इसमें नया मैप भी दिख रहा है गाइज वेस्टलैंड, तो देखना पड़ेगा गाइज इसके अंदर क्या है। और यहाँ पे और एक है कॉइन क्लैश, तो गाइज ये बरमूडा में ही है। तो गाइज सब मोड्स को हम लोग देखेंगे एक एक करके बाद में। ओके सो गाइज अभी हम लोग बाकी चीज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स में देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को आई गेस गाइज ये मिस्ट्री कैरेक्टर है, तो क्लेम कर लेते हैं। ओके गाइज ये मिस्ट्री कैरेक्टर है, तो इसको भी हम लोग गौर से देखेंगे बाद में। तो गाइज इस बार भी दो कैरेक्टर्स आने वाले हैं, तो इसे भी ओके कर देते हैं। और यहाँ पे गाइज न्यू पेट है, ओ भाई आउल, तो चलो गाइज न्यू पेट एक आउल होने वाला है। हम सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। और यहाँ पे क्या क्या है गाइज, यहाँ पे तो डायमंड्स मिल रहे हैं, इन सब से हमें कोई फ़िलहाल के लिए काम नहीं है, तो इसको बैक कर देते हैं। सो गाइज चलो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं कैरेक्टर्स में। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिया मुझे दो मिस्ट्री कैरेक्टर्स मिले हैं। तो गाइज ये रहा फर्स्ट कैरेक्टर जिसके नीचे कोबरा लिखा हुआ आ रहा है। गाइज पता नहीं किस चीज़ के साथ कोलैब होने वाला है, क्योंकि कोबरा का तो कोलैब पहले ही हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे लिखा है अलाइज विद इन 6 मीटर कैन ब्लॉक 7% डैमेज यूजिंग देयर ईपी। तो आई गेस हमारे जो टीममेट्स है वो लोग अपना ईपी यूज़ करके डैमेज को ब्लॉक कर सकते हैं, पर इससे हमारा क्या फ़ायदा। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ ईपी डिडक्टेड फ्रॉम एलाइज विल बी एडेड टू द स्किल यूजर्स ईपी। ओके गाइज तो अगर ये कैरेक्टर हमारे पास है तो हमारे टीममेट्स का ईपी डिडक्ट होगा और उन लोगों के ऊपर जो डैमेज पड़ रहा होगा वो 7% से घटेगा फर्स्ट लेवल में, और जितना ईपी हमारे टीममेट्स का घटेगा उतना ईपी हमारा बढ़ेगा। तो गाइज इसमें तो हमारा भी फ़ायदा है और टीममेट का भी फ़ायदा है, तो गाइज अच्छा कैरेक्टर है। तो यहाँ पे और एक कैरेक्टर आया है गाइज, इसका स्टोरी का है। चलो गाइज यहाँ पे ये चेंज हो चुका है गाइज, यहाँ पे नीचे मनी हाइस्ट का जो कोलैब है उसका सिंबल आ रहा है गाइज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो LCDP जो है उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, मुझे पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि ये मनी हाइस्ट के साथ थर्ड सीज़न का जो कोलैब होने वाला है
वो फिर से होगा, फ्री फायर में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो उसी वजह से उसी थीम का कैरेक्टर लाया जाएगा। तो अभी जो गाइस दूसरा कैरेक्टर है, इसका स्किल नहीं आ रहा है, पर मुझे यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिला है। आप लोग देख सकते हो नीचे ऐड फेवरेट है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग अभी अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को चूज़ भी कर सकते हैं। तो ओके गाइस स्किल मिल चुका है। तो गाइस ये भी एक एक्टिव स्किल है, यहाँ पर लिखा है विद इन 5 सेकेंड आफ्टर रिलीजिंग द स्किल द यूज़र कैन अटैक अ ग्लू वॉल टू मार्क एनिमीज विद इन 5 मीटर ऑफ इट एंड पेनिट्रेट द ग्लू वॉल टू कॉज डैमेज टू सेड एनिमीज इफेक्टिव ऑन मैक्सिमम 3 ग्लू वॉल्स। तो गाइज लगता है अगर जब हम लोग ये स्किल यूज़ करेंगे तो अगर कोई बंदा, मतलब सामने का बंदा ग्लू वॉल के पीछे है तो वो मार्क हो जाएगा और उसको डैमेज भी पड़ेगा, और ये 3 ग्लू वॉल तक मैक्सिमम होगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा स्काइलर 5 ग्लू वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है, तो गाइज इसका है 3 ग्लू वॉल। तो गाइज ये दोनों कैरेक्टर हम लोग को मैच में यूज़ करने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि इनका असली स्किल क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग बाकी चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ डाला है या नहीं इन लोगों ने, कुछ व्हीकल इन सब में तो नहीं है। यहाँ पर इमोट में एक नया चीज़ आया था, वो मैंने आप लोगों को पिछले एडवांस सर्वर की वीडियो में ही दिखा दिया था। तो अभी हम लोग पेट को भी देख लेते हैं गाइस। तो गाइस ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिया, ये एक आउल है जो कि मुझे कल तक मिल जाएगा लॉगिन में, कल या परसों तक। तो गाइस यहाँ पे इसका स्किल है व्हेन यूजिंग अ स्कैनिंग आइटम और स्किल ओनर कैन रीच एन एडेड रेंज ऑफ 10 मीटर एंड द स्कैन ड्यूरेशन विल लास्ट फॉर एन एक्स्ट्रा 2.5 सेकेंड। रिजल्ट्स आर शेयर्ड विद टीममेट्स एंड नो स्किल कूल डाउन इज रिक्वायर्ड। ओके गाइस, तो आई गेस गाइस इस पेट को जब हम लोग यूज़ करेंगे, अगर हम लोग लोड आउट में स्कैन लेते हैं या फिर गाइज अगर हम लोग को ड्रॉप में ड्रोन मिलता है जो हम लोग छोड़ सकते हैं अपने आप लोगों को पता होगा ड्रॉप में मिलता है वो ड्रोन, तो जो स्कैन का रेडियस है ना गाइज ये पेट उसको बढ़ा देगा, और जो ड्रोन या फिर जो हम लोग स्कैन इक्विप करते हैं वो जितनी देर तक रहता है उसको भी 2.5 सेकेंड से बढ़ा देगा लेवल 3 में। और ये जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम लोग को ये टीममेट्स के साथ भी शेयर होगा। और यहाँ पर लिखा है नो स्किल कूल डाउन इज़ रिक्वायर्ड। गाइज ये तो समझ में नहीं आ रहा है, आई गेस इस पेट का कोई कूल डाउन नहीं है, इसका यही मतलब हो सकता है, तो ये यूज़ करने से पता चलेगा। तो गाइज अभी हम लोग स्टोर में भी देख लेते हैं क्या कुछ नया आया है या नहीं। तो यहाँ पे जर्सी रॉयल आया है गाइज, इन सब से हमें कोई काम नहीं है। ओके गाइज, तो यहाँ पे तो मुझे फ़िलहाल कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग वेपन में भी चेक कर लेते हैं क्या नया वेपन आया है नहीं, हर अपडेट में तो आता है तो यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ पे राइफ़ल में तो कुछ नहीं है, मार्क्समैन राइफ़ल में भी कुछ नहीं है, मशीन गन में भी नहीं है, SMG में देख लेते हैं। ओके गाइज मिल गया। तो गाइज यहाँ पे SMG में एक नया SMG गन आया है जिसका नाम है बाइजन, जो लोग BGMI खेलते हैं उन लोग को पता होगा, मुझे तो पता चल गया गाइज ये कौन सा गन है। तो ये भी हम लोगों को इस बार के अपडेट में देखने को मिलेगा। तो गाइस बहुत खुशी की बात है एक नया SMG हमारे गेम में आ रहा है, और बाकी शॉटगन स्नाइपर में तो नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग प्रोफाइल में भी देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं अभी इंडोनेशिया के सर्वर में हूँ, मुझे भी पता नहीं था गाइस। तो यहाँ पे तो ये सब चीज़ें सेम ही हैं, ये सब हमारे गेम में ऑलरेडी है। ओवरव्यू ये भी है। ओके, हिस्ट्री रिप्ले, तो रिप्ले में भी कुछ नया नहीं आया है, और ओनर्स कोड तो वैसा ही है। तो गाइज आई गेस ये सब ही नया आया है, बाकी तो 3-4 मोड्स है वो मैं आप लोगों को खेल के दिखा दूँगी एक अलग से वीडियो में, और कैरेक्टर और पेट को भी यूज़ करके मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स में भी कुछ नया नहीं आया है। तो चलो गाइज आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को एडवांस सर्वर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला इस वीडियो में, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और आप लोग बताना अभी तक आप लोगों को कौन सा अपडेट अच्छा लगा, इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा यूज़फुल लगा, और ये पेट क्या आप लेने वाले हो या नहीं। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।